बांदा शहर कोतवाली अंतर्गत तहसील परिसर में लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने कानून को होहोरी लाल वर्मा को रंगे हाथों 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम कानून को शहर कोतवाली ले गई। पीड़ित शिक्षक निरंजन चक्रवर्ती, जो कि यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कानून को होहोरी लाल वर्मा से सीमांकन करने के एवज में 8,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसे देते हुए आरोपी कानून को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा 1739 पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहा है। यूटा संगठन के जिलाध्यक्ष निरंजन चक्रवर्ती ने अपनी जमीन के हदबंदी हेतु एक मुकदमा दायर किया था SDM महोदय बांदा के यहाँ। उस पर कानून को होहोरी लाल वर्मा, जो मवई सर्किल के कानून को है, उनको आदेश हुआ था सीमांकन करने का। उसी सीमांकन के एवज में निरंजन चक्रवर्ती जी से, जो कि शिक्षक भी हैं, 8,000 रुपये की मांग की गई थी। आज लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने निरंजन चक्रवर्ती को 8,000 रुपये, निरंजन चक्रवर्ती से 8,000 रुपये लेते हुए होहोरी लाल वर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यूटा का पूरे उत्तर प्रदेश में 196वां भ्रष्ट प्रेरणा से गया है और पूरे बुंदेलखंड के अंदर 2 दर्जन और बांदा के अंदर 0.5 दर्जन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी यूटा की रडार पर हैं, पीड़ित संपर्क में हैं। शीघ्र कानूनी कार्रवाई संपादित कराई जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD